अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम माइक सर। म्यूट करें बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक आवाज़ आ रही है जी सर ठीक आ रही यार। है। लोग यार लोग किधर हैं अभी? 50 लोग आए हैं 90 में से। दो मिनट देखे हैं फिर हम शुरू करते हैं। नोट्स खोल लें, लास्ट टाइम वाले थोड़े से वो रह गए थे, हम करते हैं।
जी, ये मेरा YouTube के चैनल का लिंक है, इसको जरा क्लिक करके देखें, आप देख सकते हैं वीडियोस। देखें जरा, मुझे बताएं आपके वीडियोस वगैरह मतलब हो जाती हैं, आपसे प्ले हो जाती हैं, इसको कॉपी पेस्ट करें अपने एड्रेस बार में। क्या करना है सर, किसको करना है? एड्रेस दिया आपको मैंने, इसको एड्रेस बार में टाइप करें और देखें कि मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं कि नहीं। कौन सा एड्रेस है? अभी आपको भिजवाया मैंने। सर नहीं आया क्या? कमेंट्स में आया नहीं अभी? एक मिनट सर, जितनी है। एक मिनट, जा क्यों नहीं रहा? हाँ अब सर, आ गया। अब यस सर, अब आया। हाँ अब आ गया। हाँ तो क्लिक करके देखो जरा इसको, ये चैनल खुलता है मेरा। हेलो जी, आपको सर खुल गया बेटा? इस पर वीडियोस हुआ करेंगी मेरी, तो उसको आप देखा कीजिए। आई एम, शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे इंटरनल कंट्रोल का। मे भी थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा हो, मुझे नहीं पता इसकी हिस्ट्री का, तो आज इसको हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने चूंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने तो इसलिए हमने इसको जी ये बंद कर दें। जी ये बंद कर दें, इंटरनल कंट्रोल माइक बंद कर दें, अपने माइक बंद कर दें, म्यूट कर दें। ठीक है जी, क्या होता है जी इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल आर स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स हैं, कोई मेथड्स हैं, कोई प्रोसीजर्स हैं जो डिजाइन किए हैं, ऑडिटर ने नहीं डिजाइन किए, मैनेजमेंट ने डिजाइन किए हैं। किस पर्पस के लिए डिजाइन किए हैं? किस बात को इंश्योर किया जाए कि कंपनी जी बोले सही है। सेंड किए आप नोट्स? नोट्स आपके पास है नहीं? मैं सेंड कर देता हूँ, अभी सबको सेंड कर देता हूँ।
अजय जी आपको ईमेल कर दी गई है, नोट्स की ईमेल आपको कर दी गई है, देखें जरा। जी देखें नोट्स हो गए, खोलें नोट्स को। सर नहीं आए अभी तक नोट्स। जी मैंने ईमेल कर दी है सर, ईमेल आगे हुए सर, आगे हुए। रिफ्रेश करें, जी आगे। जी अब आए। जी खोले नोट्स को। जी इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, ये स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, कि प्रोसीजर है जो डिजाइन किए हैं। किसने डिजाइन किए हैं? ये मैनेजमेंट ने डिजाइन किए हैं, ऑडिटर ने डिजाइन नहीं किया इनको। और किस पर्पस के लिए डिजाइन किया? इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है, इट इज अ सिस्टम डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस इन अ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर, कि वो कंपनी का जो बिजनेस है वो एक प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंसी के साथ चलता रहे। देखिए अगर आप चीजों की तरतीब नहीं बनाएंगे, निजाम नहीं बनाएंगे, कंट्रोल्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दिया करता हूँ कि कंपनी के पास जो है वो 6 ट्रक्स हैं। अब उसने वो ट्रक्स जो है वो उसके माल को सप्लाई करते हैं, तो अगर प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा कि जनाब इन ट्रक्स को यूज़ कैसे किया जाएगा, तो आज सुबह सुबह 2-3 मैनेजर लड़े होंगे, वो कहेगा ट्रक मुझे चाहिए, मैंने अपना माल फलां क्लाइंट को भिजवाना है, वो कहेगा नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, तो नतीजतन क्या होगा? आपको नहीं समझ आएगी कि ये चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अगर प्रोडक्शन प्लांट है और एक प्लांट पर मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो एक वाला कहेगा नहीं पहले मेरा ऑर्डर फिल कर दो, दूसरा कहेगा पहले मेरा ऑर्डर फिल कर दो। नेस्ले है ना, उसकी पता नहीं कितनी कोई प्रोडक्ट है। तो उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अगर उन्होंने बाकायदा कंट्रोल नहीं बनाए होंगे, बाकायदा प्रोसीजर डिज़ाइन नहीं किए होंगे, तो कैसे कैसे बिजनेस चलेगा? बिजनेस चल नहीं सकता। हमारा यहाँ UMT या क्लासेस होती हैं, अगर हर टीचर को प्रॉपर क्लास उस टाइम में असाइन नहीं की जाएगी तो क्या होगा? आप सोचे नहीं क्या हो, एक टीचर एक रूम में पहुंचे, पता चले वो कहते मेरी क्लास है, टीचर स्टूडेंट को पता नहीं होगा हमने किस क्लास में जाना है, वो टीचर के पीछे इतना टाइम का पता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कंट्रोल्स कितने ज़रूरी हैं अपने बिजनेस को एफिशेंट मैनर में चलाने में। ठीक है, कंट्रोल्स अटेम्प्ट्स टू इंश्योर, ये इंश्योर करते हैं दैट रिस्क, कि रिस्क यानी दो फैक्टर विच स्टॉप द अचीवमेंट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर मिनिमाइज, के जो रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इस बात को ये इंश्योर करते हैं कि जो वो रिस्क क्या है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में रुकावट है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ही बिजनेस का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी अपने वो ऑब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव में डिवाइड होता है। जैसे प्रॉफिट कमाना है तो एक बैंक है, तो वो कैसे प्रॉफिट कमाएगा भाई? वो लोन देगा। अच्छा, वो लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेगा। अच्छा, अगर लोन देगा तो अगर लेके एक बंदा भाग गया तो फिर? अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव भी गए और बिजनेस भी गया, सब कुछ गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो भाई ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आपने लोगों को पैसे देने हैं सूद पे तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है वो लेके भाग जाए, लेकिन भाई लेना तो पड़ेगा रिस्क, इसके बगैर गुजारा तो नहीं हो सकता हमारा, लेकिन इसको मिनिमाइज कर लिया जाए ना, उतना ले लिया जाए जितना काबिले बर्दाश्त हो। ये ना हो कि हमारा जो लोन है वो सारे के सारे लोन लेके जो है वो बंदे भाग ही जाए, हम बस पैसे गुवा के तो बाद में बैठे सोचते रहे। तो उसके इसे क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि ये कंट्रोल्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइज होके मिनिमाइज, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर या कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है कि इतने हो जाए, नहीं, जितना आप उन रिस्क को बर्दाश्त कर सकें, जितना आपका बिजनेस उन रिस्क को बर्दाश्त कर सके उतने होने चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। भाई एक बड़ा दुकानदार है, ठीक है, वो मल्ले में लोगों को उधार देता है, तो हो सकता है 8-10 हज़ार रुपया कोई बंदा मर गया है, भाग गया है, ठीक है, तो 8-10 हज़ार रुपया उसका डूब गया है, वो बर्दाश्त कर ले,
कोई नहीं, वो बड़ा दुकानदार है, बर्दाश्त कर लेगा। आप कहें जी कि वो अपना रिस्क कहाँ तक रखेगा, इतना को रखेगा कि लाख वाले पैसे ना डूबे चले, कोई 2-4 हजार डूब भी जाए तो खैर है, लेकिन छोटे से बेचारे की दुकान है उसका तो 10 हजार डूब गया, तो जिसके पास लाख रुपए का सारा माल पड़ा हुआ दुकान में, 10 हजार का बंदा लेके भाग गया तो बेचारे का क्या बनेगा? तो फिर वो क्या करेगा ना, उधार कम देगा लोगों को, छोटा उधार देगा। ठीक है, जब तक लोग पिछले पैसे नहीं देंगे आगे उधार नहीं देगा, तो इस तरह क्या होगा, वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेगा। अब वो भी रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, ये भी रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, लेकिन दोनों का लेवल अपना अपना है, क्योंकि इसे आम अल्फाज में कह लें दोनों की पसली अपनी अपनी है, दोनों की ताकत अपनी अपनी है, दोनों की स्ट्रेंथ अपनी अपनी है कि वो किस हद तक रिस्क को बियर कर सकते हैं, बस उस हद से उन्होंने उसको ऊपर नहीं जाने देना। तो कंट्रोल यही तो करते हैं जी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंप्राइज द होल नेटवर्क ऑफ सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, ये कंट्रोल का पूरा नेटवर्क होता है, उनसे मिलके ये पूरा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम बनता है, यानी ये सब कंट्रोल में डिवाइड होता है आगे, हर डिपार्टमेंट में, हर एक्टिविटी में। आगे हम पढ़ेंगे हर एक्टिविटी, हर ट्रांजेक्शन, हर इवेंट के अपने कंट्रोल है, और वो सब मिलके क्या बनते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनते हैं। ये कोई एक रूल, एक प्रिंसिपल, एक चीज नहीं है। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वुड बी अचीव्ड, वो इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस देंगे। रीजनेबल एश्योरेंस ये वर्ड पढ़ चुके हैं आप, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी। इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज इन प्लेस टू इंश्योर, ये वही बात है जो पहले उसने दोहराई है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? पहला ऑब्जेक्टिव हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि ये इस बात को इंश्योर करना कि हमारा बिजनेस ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में चलता रहे, वो चल ही नहीं सकता। अब सोचें कि अटेंडेंस से कंट्रोल है कि सब लोग 9 बजे फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए, जो लेट होगा उसकी पनिशमेंट है, सही है? पनिशमेंट ये नहीं कि उसको डंडे मारे जाएंगे, प्रॉपर उसका जो भी निज़ाम होगा, या तो उसको एंट्री नहीं करने दी जाएगी, करने दी जाएगी उसकी लेट काउंट होगी, लेट काउंट होगी तो 3 लेट काउंट होंगी तो 1 छुट्टी कट जाएगी, और छुट्टियां खत्म होगी तो उसके पैसे कटेंगे। ये निज़ाम होता है ज्यादातर फैक्ट्रियों में। तो अगर लोगों की लोगों, आप सोचें जरा कि अगर इस कंट्रोल पे सख्ती नहीं है, किसी कंट्रोल को सख्ती से इम्प्लीमेंट ना करना और किसी कंट्रोल का सिरे से एग्जिस्ट ही ना करना, बेटा दोनों बराबर होते हैं। कंट्रोल किताब में रखने वाली चीज नहीं होती। अगर आप कंट्रोल बना दें कि क्लासरूम में जब वो बच्चे लेट नहीं होंगे, ठीक है, टाइम पे आएंगे, और इन रियलिटी आप प्रवाह भी ना करें, जौन सा जितने मर्जी आ रहा है जा रहा है, तो किताब में इस कंट्रोल के लिखने का फायदा ही कोई नहीं। एक्चुअली ये कंट्रोल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर कोई कंट्रोल, किसी कंट्रोल पे अमल नहीं हो रहा, तो समझ लें एक्चुअली वहाँ कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि किताबों में लिखने का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आप सोचें कि अगर टाइम पे ये पाबंदी ना हो, लोग अपने अपने टाइम पे मटेरियल इशू करने वाला जनाब प्रोडक्शन प्लांट शुरू हो गया, सुबह सुबह हमने लगा दी है, तो उसके अंदर अब मटेरियल पुट करना है, तो जो हमारे जो हैं जनाब वो वेयर हाउस के इंचार्ज साहब हैं, वो अभी तक तशरीफ ही नहीं लाए। 9:30 बजे वो आएंगे, आधा घंटा लेबर फारक बैठी रही है कि वो आएंगे तो हम वहाँ से मटेरियल इशू करवाएंगे तो प्लांट में डाल के हम काम शुरू करेंगे। आधा घंटा ज़ाया हो गया, आधा घंटा प्लांट चला रहा, प्लांट की एनर्जी ज़ाया होगी, आधा घंटा लेबर वेली बैठी रही ज़ाया होगी। लेबर तो पहले ही चाहती है मैं वेली बैठी रहूँ, काम कम करना पड़े। छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, टाइम पे अपनी फैक्ट्री में या टाइम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना, उसके नतायज देख लें। अगर इस पे अमल नहीं होगा तो उसके नतायज कितने भयानक हो सकते हैं। एक बंदा लेट हुआ है सिर्फ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेयरहाउस सुपरवाइजर। उसके लेट ना होने से पूरा प्लांट चल रहा है, चूंकि मटेरियल नहीं है, लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, लेबर का टाइम जाया, एनर्जी जाया, वैसे टाइम जाया, ओवरहेड जाया, बैठे रहे। आधा घंटा जाया होगा तो सारे दिन में से 8 घंटे में से आधा घंटा उसने जाया कर दिया, तो कितने परसेंट टाइम जाया कर दिया, 7-7.5% ऑलमोस्ट उसने कंपनी के रिसोर्स को वेस्टेज कर दिया। सही, तो ये छोटी सी चीज़ आपके मैं चाहता हूँ कि ये जब तक कंट्रोल नहीं होंगे तो आपका बिजनेस ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में चल ही नहीं सकता। ये पहला ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल का, कि आपके बिजनेस जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में चलता रहे। ठीक, इसीलिए प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्रीज वगैरह अच्छी, वहाँ इस तरह की गलतियाँ नाकाबले बर्दाश्त होती हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि अगर प्लांट चल पड़ा है और इंतजार में लेबर आधा घंटा बैठी रही है, तो वेरा सुपरवाइजर नहीं आया तो दूसरे दिन वो नौकरी भी नहीं होगा। वो बड़ी बेरहम है जो कॉर्पोरेट लाइफ है और ये जो है ना इदारे, प्राइवेट इदारे बैठे, ये बड़े बेरहम है। दूसरे दिन उसने नौकरी भी नहीं होना फारिग, और वो एक बंदे को नौकरी से निकालेंगे तो एक्चुअली वो बाकी 2000 को मैसेज दे रहे होंगे, तो यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब बाकियों को इस बात का मैसेज होगा
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर गलती से बचने की कोशिश करेंगे। सेफ गार्डनिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज फ्रॉड हम जो पढ़ते हैं, एम्प्लॉइज बिजनेस के साथ जो फ्रॉड करते हैं उसमें से सबसे जो कॉमन फ्रॉड है उसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स को स्टील कर लेना, जिसमें स्टीलिंग यानी चोरी कर लेना, उनको मिस यूज करना, उनको पर्सनली यूज करना, ये सारा कुछ उसके अंदर शामिल है। दुनिया में जो रिसर्च हुई है इस पे, इस टाइप के फ्रॉड पे, तो इसका कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंपनी अपने साजात की हिफाजत करे। किससे हिफाजत करे? स्टीलिंग से, यानी चोरी ना हो जाए, मिस यूज से, ठीक है, यानी उन्हें सही तरीके से यूज किया जाए, तो और इसके अलावा जो है वो पर्सनल यूज से, कि लोग ऑफिशियल एसेट है उसे पर्सनल यूज में ना ला सके। कंपनी ने गाड़ी दी हुई है काम करने के लिए, आप वो गाड़ी पे सैर सपाटे कर रहे हैं सारा दिन, यारों दोस्तों से मिल रहे हैं, तो यार मैं इधर मुगलपुरे आया हूँ, तो मैंने कहा यार दोस्त से बड़ा अरसा उसे मिले, कहाँ आया जाता है फिर है, मैं जरा इतना सलाम दो ही करता जावा। भैया आपका टाइम भी कंपनी का, गाड़ी भी कंपनी के, जिस पर मुगलपुरे आप गए हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? तो लोग मिस यूज करते हैं, पर्सनल यूज में लेते हैं, स्टीलिंग है, छोटे मोटे एसेट जो है चोरी कर लेते हैं। इदारों के अंदर बहुत कॉमन है स्टेशनरी का चोरी होना, लोग स्टेशनरी चोरी कर लेते हैं, चोरी करके मतलब ये लोग इसको शायद फ्रॉड समझते भी नहीं, कि ऑफिस का जो पेपर है, ऑफिस का जो बॉल पॉइंट है, स्टेपलर है, इस तरह की चीजों को घरेलू इस्तेमाल के लिए ले जाना। पता नहीं लोगों के जहन में वाक्य सुनाया करते हो बच्चों को, कि एक थे पाकिस्तान के सियासतदान थे, हुक्मरान थे तब, वो मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, वो काले अकद अली खान के फौरन बाद पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो, तो उनको जब उतारा है इसने, सिकंदर मिर्जा ने, ख्वाजा नाजमुद्दीन थे मेरा ख्याल है, सिकंदर मिर्जा ने जब उतारा है, तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा मुझे ना टैक्सी मंगवा दो, उन्हें कह दिया अब गाड़ी अब घर छोड़ाएगी, उन्हें कहा मैं तो अब सबराह ममलिकत ही नहीं रहा, तो गाड़ी क्यों घर छोड़ के आएगी, मुझे टैक्सी मंगवा के दो मुझे, तो टैक्सी मंगवाई, उन्होंने अपना जाती सामान समेटा बैग में डाला, उठे टैक्सी में बैठे, एक उसको कहा कि टैक्सी वाले को रोको, मैं दोबारा आया वापस भागे भागे वापस में आया। तो आपको पुराने दौर में याद होगा कि वो फाउंटेन पेन होती थी जिसमें स्याही भरी जाती थी, स्याही फिल होती थी, ठीक है, स्याही एक दवात होती थी, उससे स्याही भरते थे हम, ठीक है, तो मैं भी बचपन में वो यूज़ किया करता हूँ वो पेन, अब तो बॉल पेन का दौर आ गया। तो वो आए, उन्होंने वो सरकारी दवात पड़ी थी उसको खोला, उसके अंदर जो अपने पेन, पेन उनका जाती था लेकिन स्याही उसमें जो थी वो इंक जो थी उसकी वो गवर्नमेंट की थी, तो उन्होंने वो इंक उसमें बाकायदा वापस की और उसको झाड़ा अच्छे तरीके से उसके अंदर, और फिर अपना पेन लेके जेब में डाल के आगे कि मेरे पेन के अंदर जो इंक है वो जो है वो मेरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, तो वो मुझे वापस करके आनी। तो बड़ा ऐसा दौर रहा है इस मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है ये कायदे आजम के तरबियत याफ्ता लोग थे सारे, तो उसके बाद तो बेड़े ग्रह हो गया। तो मैं कहता हूँ कि बस होगा, अक्सरियत लोग इसको चोरी नहीं समझते, स्टेशनरी को चोरी ले कर करके घर ले जाना, बच्चों को दे देना, घर स्टेपलर चाहिए ऑफिस से चोरी करके ले जाना, और फिर वो उस वाले से कहना यार मेरा स्टेपलर गुम हो गया कि नया स्टेपलर इशू कर दो, वो कर देगा बेचारा, उसको क्या है, उसको कहा हुआ इशू कर दो अब कर दो, ठीक है। कैलकुलेटर चोरी करके घर ले जाना, कहना जी कैलकुलेटर गुम हो गया है, ये कैलकुलेटर दे दो, पता चले अपना बच्चों को दे दिया यूज करने के लिए, अपने लिए ऑफिस से और इशू करवा लिया है। तो लोग इसको ना शायद दौर ऐसा आ गया शायद इसको बेईमानी समझते नहीं है। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम है कि वो कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करे, कोई भी बंदा कंपनी का एसेट ना चोरी कर सके, इसमें कैश भी शामिल है, ना जाती इस्तेमाल में ला सके और ना वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, वो मेरा नेट प्रॉब्लम थी इस वजह से अभी कनेक्ट हुआ है, तो कोई मसला तो नहीं जी? आप सिर्फ पढ़ें, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें क्लास को जी। आगे जी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि वो प्रिवेंट करेगी और डिटेक्ट करेगी किसको, फ्रॉड और एरर को, ठीक है। फ्रॉड एरर में क्या फर्क होता है? गलत चीज किसी चीज के ना, कोई इनअप्रोप्रिएट एक्शन, अगर वो अननोन मतलब विदाउट एनी इंटेंशन ले लिया जाए तो वो एरर होती है, अगर इंटेंशनली कोई गलत काम किया जाए तो वो फ्रॉड होता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम है कि कंपनी में हुले मरे फ्रॉड और एरर को रोके। इसीलिए कंपनी में आप पढ़ते होंगे कि जो कंपनी में जब कैश पेमेंट होनी है तो उसके लिए कैश पेमेंट वाउचर बनता है, उसको एक प्रिपेयर करने वाला होता है वो साइन करता है, फिर उसको चेक करने वाला फिर वो साइन करता है, फिर अप्रूव करने वाला वो साइन करता है, फिर चौथा बंदा वो होता है जो उसको सिस्टम में एंटर करता है, ठीक है ना, वो उसको करके फिर वो साइन करता है। ये सब चार बंदे इन्वॉल्व हैं, तो चार बंदे क्यों इन्वॉल्व हैं? हर बंदा पिछले पहले का काम भी चेक कर रहा है,
तो वो जो ये सारे चार बंदे क्यों इन्वॉल्व हैं, ताकि ए अगर कोई एरर हुई है तो एक बंदा करेगा दूसरा पकड़ लेगा, या अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो एक बंदा करेगा और दूसरा पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल कंट्रोल। जी बोले सर, यहाँ फिर ऑडिटर का क्या काम हुआ? किसका ऑडिटर का? मैं और बात ही नहीं कर रहा अभी, ऑडिटर के काम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं अब ऑडिटर। ये कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना मैनेजमेंट का काम है। अब ऑडिटर इस कंट्रोल सिस्टम के साथ करेगा क्या, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, कंपनी में फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना, इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे आती है, जिसको मैनेजमेंट ने डेवलप किया है। प्राइमरी वो रिस्पॉन्सिबल है इसका। ऑडिटर की जिम्मेदारी है, अगर अगर है तो वो बाद में है, लेकिन प्राइमरीली ये जिम्मेदार है इसका। तो इसका ये जिम्मेदारी है जनाब कि वो रोके हर किस्म के फ्रॉड को और एरर को, कंपनी में कोई फ्रॉड ना कर सके या कोई गलती ना हो सके। इसमें इंटरनल चेक डेवलप किया जाता है, एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी एक्टिविटीज। द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये इंश्योर करता है इस बात को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारा एक्यूरेट रहे और हर वक्त कंप्लीट हो। आप सोचें ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्यूरेट ना हो, हमें पता नहीं है किससे बंदे से कितने पैसे लेने हैं, कितने बंदे पैसे देने हैं, परचेज कितने की हुई हैं, फलां टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, तो क्या करेंगे हम? क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है? क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलना? कुछ भी नहीं पता चलना। कंपनी तो फिर अंधेरे में टमक टुइयां मार रही होगी, पता नहीं वो जो जो भी काम कर रही है। मैं एक कंपनी में था, तो वो एक ग्रुप था छोटा सा, तो उसके अकाउंट्स वगैरह के इश्यूज थे। बहरहाल मैं गया, उनको संभाला ग्रुप को, एस सी एफ ओ ग्रुप का हेड, तो थोड़ा सा काम किया था मैंने। तो उस कंपनी के अकाउंट्स वगैरह मैंने पकड़े, सारी डिटेलें मंगवाई। पहले वो डॉन प्रोफेशनल बेचारे लोग थे, वो दो दो बंदे थे, करते थे काम, नहीं था आता उन्हें इतना। मैंने सारा एक्सेल शेक्सेल मशीनें सीधी की, वो चल रहा था इदारा। तो जब मैंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो पता चला था वो तो लॉस में है। तो ये बना के वो डायरेक्टर्स को मैंने दी, तो वो कहते हैं आमिर साहब ये क्या है, ये लॉस में, मैं क्या करूँ इसमें, ये तो नुकसान में जा रहा है। कहते हमें पता ही नहीं। मैं क्या, आपने कभी प्रॉपरली इस चीज़ को देखा ही नहीं, इसकी पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी बनी ही नहीं, आपने इसकी कॉस्टिंग ही नहीं की, सारा कुछ किया ही नहीं। वो भी ना हैरान रह गए इस चीज़ को कि हम तो एक इदारा वो लॉस में चला रहे हैं, इसलिए उनकी कैश फ्लो की बड़ी प्रॉब्लम थी। पैसे लेबर को पैसे देने हैं वो भी नहीं है, तो जनाब वो तनख्वाहें देने को अजाब जान अजाब में ही होती थी, वो भी मैंने उनकी चीज़ें ठीक वगैरह की जाके। फिर तो बहरहाल उन्होंने फिर वो फैक्ट्री को बंद करने का होकर या बंद करें, तो वो लेबर बेचारी बड़ी परेशान हुई, बड़ा लोग परेशान कि नौकरी का क्या बनेगा, आपको पता है। फिर मैंने उन्हें एक निज़ाम छोटा सा बना के दिया कि इतने ऑर्डर्स आप ले हैं फैक्ट्री के लिए, आप ला सकते हैं इतने। डायरेक्टर से मैंने पूछा पर्सनल लिंक से, इतने काम के ऑर्डर ला सकते हैं जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, तो जी हम ला सकते हैं। अगर आप इतने ऑर्डर ले आएंगे तो ये फैक्ट्री चलती रहेगी ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पे चलती रहेगी, तो चलें कुछ नहीं। तो लेबर को जो है बेचारे, वो बड़े गरीब लोग और वो परेशान, और मेरे ऑफिस में जमा हुए हुए और जनाब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं जनाब। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि इसको चलाएं अगर ये ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो वो चलाते रहे, वो फिर ले आए ऑर्डर, तो फिर चल पड़ा सिलसिला। तो अल्लाह ताला ने मतलब बरकत डाली, फिर सिलसिला आ गया और चल पड़ा। तो ये जब तक कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होते, एक्यूरेसी में नहीं आती, तो फिर क्या होगा भाई, फिर तो अंधेरे में ही होगा आपको। अब सोचें कि अगर आपके पास इस चीज़ का एक्यूरेट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ये एक चीज़ कितने में बनी है, तो आप उसको बेचने में निगोसिएशन कैसे कर सकेंगे? आप तो निगोसिएशन ही नहीं सही कर सकते अगर आपको उसकी टोटल सही कॉस्ट की पता नहीं है। आप सोचिए, आप ब्लैंक बैठे हैं, तो फिर तो आप टामक तो ही मारेंगे ना। हो सकता है आपके पास एक बंदा आए, कहे जी ये 1000 यूनिट बनवाने हैं, जनाब कितने बना के देंगे? आप कहेंगे जी हम जनाब जो है वो इतने में बना के देंगे। या आप सिरे से इस पोजीशन में ही आओ, आपके वहीं हाथ पाँव फूल लें, यार ये पता नहीं कितने में पड़ते हैं, हमें सोच में पड़ते हैं। ओ देखो उससे पूछो, उससे पूछो, ओ वो मैनेजर प्लांट मैनेजर पूछो, यार ये यूनिट कितने का पड़ा है? कहते जी मेरा ख्याल है जनाब ये 100 से 150 रुपये में पड़ता है हमें। वो क्या 100 से 150, भाई एग्जैक्ट फिगर बता, आगे मैंने उसके हिसाब से कोटेशन देनी है। पता नहीं जी, मुझे नहीं पता, अकाउंट्स वाले वो क्लर्क से पूछ लें। क्लर्क कहता है नहीं सर जी ये कोई 170-180 रुपये में पड़ता है। वो भाई वो 150, 100, 150 कह रहा है तो 170 कह रहा है। तो आप सोचिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर एक्यूरेट कम्प्लीट नहीं है, आपको किसी चीज़ की कॉस्ट का नहीं पता, तो करना कराना आपने क्या है? इधारे तो मतलब नहीं चलेंगे ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम है कि वो एक्यूरेट और कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके डेस्कटॉप में हर वक्त आपको जो है वो
प्रोवाइड करता है। अगर ये इंटरनल कंट्रोल का ऐसा निजाम नहीं है तो फिर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अंधेरे में जा रही है। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वही बात है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइमली प्रिपेयर हो, अकाउंट्स बने जैसे भी बनने हैं, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बने, प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बने, जो भी स्टेटमेंट बननी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेकर टाइमली बने, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। और अगर ये लेट हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकेगी? आपको डिसीजन मेकिंग के लिए टाइमली ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर टाइमली आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे ले सकेंगे? लेंगे तो गलत ले लेंगे, तो फिर अल्टीमेटली उसको वो बिजनेस को सफर करना पड़ेगा। यूसरा बेटा मैंने ये नोट्स ईमेल कर दिए हैं आपको, देखें इसको, हमने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन को देखा है और थोड़े ऑब्जेक्टिव को देखा है, आगे देखते हैं इन चीजों को। तो देखें
जी चीजें देखी आपने, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं हम लोग। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? दो तीन बेनिफिट्स हैं जो बताए हुए हैं। एक तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से ऑपरेशंस चलते रहते हैं, इस पर भी बात हो चुकी है। एक तो ये कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम बेहतर है तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबल होगी, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली आप बड़े एतमाद के साथ उनकी बेस पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। और थर्ड है जी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस, ये बहुत ज़रूरी है। सम टाइम एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस का ना होना आपके लिए गोइंग कंसर्न थ्रेट बन जाता है। गोइंग कंसर्न थ्रेट से क्या मुराद है कि आप कानून की ऐसी खिलाफ वर्जी करेंगे जो आपका बिजनेस ही बंद करा देगी। तो पाकिस्तान में तो ज़रा हालात और तरह के हैं, अब्रॉड में आप सोचें अगर किसी होटल के जो है वो किचन से काकरोच बरामद हो गए तो क्या बनेगा? ठीक है, उसकी सफाई ठीक नहीं है तो फिर क्या बनेगा? वो तो नहीं, दुबई में है तो आप क्या वो लिहाज कर देंगे, 2000 जुर्माना कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो होटल ही सील कर देते हैं। तो सम टाइम ना एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस की नॉन कम्प्लायंस की वजह से आपका इदारा बंद होने पर आ जाता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप पूरा करते रहें, ताकि वो जो भी बिजनेस को उससे अगर डैमेज होना है तो वो ना हो पाए। क्या इनकी कोई लिमिटेशंस भी हैं? लिमिटेशन से मुराद है कि वो कौन से काम है जो इंटरनल कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता? कई वो पुअर मैनेजर्स को गुड वन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन नॉट टर्न अ पुअर मैनेजर इनटू अ गुड वन। वो जिसने जिसका हाल खराब ही है उसके खराब ही रहने। हाँ, कंट्रोल सिस्टम उसके बुरे असरात से कुछ हद तक इदारे को बचा लेगा, लेकिन क्योंकि इंटरनल चेक का निज़ाम होगा, एक बंदा करेगा तो दूसरा बंदा उसको चेक कर लेगा, एक गलती करेगा तो दूसरा उसको पकड़ लेगा, लेकिन उसको वो बेहतर बना नहीं सकता। ये फिर कौन बनाएगा भाई बेहतर हमारी कंपनी में? अगर पुअर मैनेजर में गरीब मैनेजर नहीं है, पुअर मैनेजर है बेचारा, सलाहित है उसकी इतनी बेहतर नहीं है, तो उसको एक अच्छे मैनेजर में कैसे कन्वर्ट करेगा? ये बेटा ट्रेनिंग से होगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये काम नहीं कर सकता, आप उसको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग प्रैक्टिकल काम में भी ट्रेनिंग होगी, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग बाय प्रैक्टिस, और प्लस जो है वो दूसरे तरीके से भी ट्रेनिंग के आपके फॉर्मल मैकेनिज्म है, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह सारे, तो उसके थ्रू आप ये काम करेंगे, उसे पुअर मैनेजर को रिच मैनेजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल ये काम नहीं कर सकता। द सिस्टम कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एट रिस्क फ्रॉम मिस्टेक और एरर्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ये सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है, वही पुरानी वाली बात कि ये कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। ये रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, क्यों कि इसको चलाना बहरहाल इंसानों ने है। अच्छा, एक इंसान के काम को चेक करने के लिए एक और बंदा रखा हुआ है, फिर दोनों के काम करने के लिए तीसरा बंदा रखा हुआ है, तो गलती सबसे हो सकती है, ठीक है। तो सिस्टम हमेशा मिस्टेक या एरर की वजह से एट रिस्क रहते हैं। तो ये मसाइल तो हैं, तो इनका हल जो है वो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, क्या वहाँ कभी कोई गलती नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां, बड़े बड़े अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखे हुए हैं, उसके बावजूद गलतियां भी देखी हुई हैं वहाँ होती हुई, ठीक है। और सम टाइम उन गलतियों की कॉस्ट भी इदारों को पे करनी पड़ती है, डैमेजेस भी हो जाते हैं इदारों को। तो ये कभी नहीं आप कह सकते जहाँ इंटरनल कंट्रोल आ गया वहाँ पे अब गलती नहीं होनी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसपेरेंट चलेगा। नहीं, इंसानों ने चलाना है, और जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे गलती भी होगी, और वहाँ पे फ्रॉड भी होगा, और वहाँ पे इंसान का नफ्स उसके साथ लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है जो उसको भड़काएगा कि खा पी और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचा, तो सब कुछ हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल कैन बी बाईपास बाय कोलूजन। कोलूजन क्या कहते हैं? कोलूजन कहते हैं, मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि जैसे एक कैश पेमेंट वाउचर है, वो एक बंदा फिर पे करेगा, फिर एक चेक करेगा, फिर अप्रूव करेगा, फिर एक एंटर करेगा या पोस्ट करेगा, हर बंदा दूसरे के काम को चेक करेगा कि वो बंदा गलती या फ्रॉड दो नंबरी तो नहीं कर रहा, सब कुछ चेक करेगा ना।
तो चार बंदे होंगे तो एक करेगा दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा करेगा तीसरा पकड़ लेगा, तीसरा करेगा चौथा पकड़ लेगा, तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ये सारे मिल जाएं, ये सारे आपस में मिल जाएं कि भाई ये कंपनी में फ्रॉड करना है और चारों की जिम्मेदारी एक दूसरे को चेक करना, तो चारों आपस में मिल जाएं, तो फिर क्या होगा? तो इंटरनल कंट्रोल तो फिर बेटा बाईपास हो गया ना। तो इंटरनल कंट्रोल इसीलिए कहते हैं, कलूडेड फ्रॉड को कलूडेड क्या है कि उन्होंने कलूजन बना लिया, इत्तेहाद बना लिया, अब वो मुत्तहिद होकर बड़ी प्लानिंग के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मुश्किल है पकड़ना इसे। इंटरनल कंट्रोल भी नहीं पकड़ पाता और अल्टीमेटली ऑडिटर के लिए भी इसे पकड़ना मुश्किल होता है कलूडेड फ्रॉड को। और मैनेजमेंट ओवरराइड क्या होता है कि मैनेजमेंट खुद सिरे से इस फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम पर अमल ही नहीं करती, उसको ओवरराइड कर देती है, क्योंकि मैनेजमेंट है, उससे टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, उनसे कोई पूछ ही नहीं सकता। अभी एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी की धीरी गाड़ी को जाती इस्तेमाल में लाता रहे, तो कौन उसे पूछेगा? सीएफओ पूछेगा, बेचारा मरना है उसने। एचआर मैनेजर पूछेगा, मैनेजर ऑपरेशन पूछेगा उससे, उन्होंने अपनी नौकरियां गवानी है उससे पूछ के। तो ये मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है, करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकती है और करती है इन कंट्रोल्स को, फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। कंट्रोल आर ओनली डिजाइन टू कॉप विद रूटीन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। भाई ये सारे जो है वो कंट्रोल किस लिए हैं कि जो जिस टाइप की कंपनी में ट्रांजेक्शन होती हैं उसका हर एक का कंट्रोल बना दिया जाता है, जिस टाइप के इवेंट होते हैं हर एक का कंट्रोल बना दिया जाता है। लेकिन ये होते हैं नॉर्मल इवेंट्स, रूटीन ट्रांजेक्शन जो होते रहते हैं। अचानक एक नया मसला हो गया, भाई अब क्या करेंगे, ये तो नया मसला आ गया पेश, जैसे अभी कोरोना का मसला आ गया तो एक नया मसला पेश आ गया, तो अब क्या करेंगे? कभी दुनिया में किसी ने कोरोना की प्लानिंग की ही नहीं थी आज तक, कि ऐसा भी हो सकता है कोरोना होगा उसकी बेस पे लॉकडाउन लग जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया? तो कभी किसी के ज़हन में नहीं था, कभी किसी ने इसकी प्लानिंग ही नहीं की थी, अचानक आ गया तो पता चला भाई अब क्या करें। ठीक है, अब तो जाहिर है अब तो 6-7 महीने हो गए हैं, बता रहा हूँ जब नया नया आया तो फिर तो लोग हाथ झाड़ के बैठ गए ना कि भाई अब क्या करें, अब चीज़ों को, अब मसाइल को कैसे हल करें। तो इसलिए जो कंट्रोल होते हैं रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं हमेशा, कोई इरेगुलर, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन या इवेंट आ गया या कोई एक्शन आ गया उसमें फिर ये इनको, उसके लिए कंट्रोल होती कोई नहीं तो करना क्या। देयर आर रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन प्रिवीन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिमिटिंग देयर इफेक्टिवनेस। रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या होते हैं भाई? कंट्रोल बनाने और चलाने के लिए बंदे चाहिए। बंदे कौन से चाहिए? प्रोफेशनल चाहिए, जो समझ बूझ रखते हों, जो एक्सपीरियंस रखते हों, जो चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, लेके आगे चल सकें, बना सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, कंट्रोल को चला सकें, रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। तो महंगे लोग होते हैं वो, बिल्कुल। फिर समटाइम आईटी सपोर्ट चाहिए होती है कंट्रोल के लिए, इक्विपमेंट्स ऐसे चाहिए होते हैं। तो आपके पास जैसे आपका एक कंट्रोल है, वो कंट्रोल क्या है जी, कि आपका जो है कोई बंदा खुदा ना हादसा कोई गन वगैरह लेके ना आ जाए किसी तलीमी इदारे के अंदर, तो आपके क्या है, ये मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, वो कौन सा है जिसके अंदर से होके गुजर के आप आते हैं? तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए भाई उसको लगाने के लिए। तो आपके जो है, चूंकि फर्ज करने इदारे के अंदर इंटरनली निज़ाम सही तरीके से चलता रहे, झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो, झगड़ा ना हो, आप चीज़ों पे नज़र रखें, तो भैया आपको कैमरे पुट करने पड़ेंगे तो पैसों के आएंगे। ठीक है, गार्ड आपने रखने हैं तो पैसों के रखने हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो भी एक चीज़ है ना, चेक करने के लिए एक निज़ाम है, तो पैसों बंदे पैसे लेंगे। तो कहते हैं कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ जाते हैं तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना सही तरीके से बन पाता है ना, इम्प्लीमेंट हो पाता है। ठीक है, तो ये है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, ये काम इंटरनल कंट्रोल के बस का नहीं है। तो दुनिया में बेटा हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी हैं। देखिए इसको फिर हम इस पर ना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें फिर आगे बात।
ये मुकफ आते हैं मल नहीं ऐसे नहीं कहना और जल्दी यार शोर ना करो यार जी हेलो एनी प्रॉब्लम मैंने आपको बेटा टाइम दिया देखने का चीजों को देखिए इनको ऊपर से लेके इसको पढ़े नीचे तक सारा जो हमने पढ़ा है लिमिटेशंस तक तो अगर भी प्रॉब्लम है इसमें तो मुझसे पूछे अच्छा जी आगे चलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स मतलब जिससे चीज मिलके बनती है जैसे गाड़ी बनती है ना गाड़ी चेसी से इसे चेसी इंजन और इसे सस्पेंशन से और क्या कह लेंगे इंटीरियर से मिलके बनती है इस तरह कंपोनेंट्स होते हैं जी अब्दुल रफी अपना ये बंद करें अब्दुल रफी आपकी सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और ये बात रिकॉर्ड हो रही है कि आप में से किसका माइक ऑन है उसमें से ये आवाज आ रही है ये बेटा इसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं ये चीज ऑन रिकॉर्ड है अगर मैं इसी वक्त ये करके और भिजवा दूं जो है वो टॉप मैनेजमेंट को तो आपके डिसिप्लिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसको मजाक ना समझें कि मैंने ऑन कर दिया सबको आवाज आएगी और सब हंसेंगे तो ये बेटा पता चल रहा है कि किसका माइक ऑन है सही है इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स तो जिससे वो मिलके बनता है वो कौन कौन से पहला जी कंट्रोल एनवायरनमेंट ये क्या चीज है कंट्रोल एनवायरनमेंट जनाब एटीट्यूड और सीरियसनेस है मैनेजमेंट की किसके बारे में कंट्रोल के बारे में भाई कंट्रोल क्या है कंट्रोल कोई सेट ऑफ रूल्स है सेट ऑफ प्रोसीजर्स है सेट ऑफ एक्शंस है सेट ऑफ पॉलिसीज है अब असल चीज है कि टॉप मैनेजमेंट का इन चीजों के मुतालिक क्या एटीट्यूड है क्या वो सीरियस है इसके मुतालिक अगर वो सीरियस है तो याद रखें कि इस पर नीचे जो अमल होगा वो बहुत बेहतर होगा अगर वो खुद ही सीरियस नहीं है जैसा कि हाल माशाल्लाह से हमारे मुल्क है हमारे मुल्क में हर चीज के कवानीनों के कवानीन भरे पड़े हैं प्रोसीजरों के प्रोसीजर भरे पड़े हैं ये प्रोक्योरमेंट के ऐसे ऐसे कवानीन और ऐसी ऐसी अथॉरिटियां बनी हुई हैं आप पढ़ेंगे आप अशश कर उठेंगे क्या चीजें बनाई हैं अमल उमल कुछ भी नहीं होता क्यों टॉप मैनेजमेंट की खुद मुल्क के बड़े लोगों की या इदारों के बड़े लोगों की उसके मुतालिक कोई सीरियसनेस ही नहीं है खुद सीरियस नहीं है जब वो खुद सीरियस नहीं है तो नीचे क्या होगा भाई जब एक इदारे में जो है वो हॉस्पिटल का सरबराह जो है उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो नीचे आप कैसे कहेंगे जनाब स्वीपर को कि वो भी मास्क पहने क्योंकि कोरोना का खतरा है तो ये ना टॉप मैनेजमेंट की सीरियसनेस है अगर टॉप मैनेजमेंट सीरियस होगी तब ही इंटरनल कंट्रोल अपने अपना जो है वो दे पाएंगे बेनिफिट्स अदरवाइज नहीं बिल्कुल भी नहीं आप जो मर्जी बना लें ऊपर वालों के लिए वो मजाक है तो नीचे वाले भी मजाक ही समझेंगे इसलिए इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट कहा जाता है अगला जी एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली कंट्रोल्स क्या करते हैं कंट्रोल रिस्क को मिनिमाइज करते हैं फ्रॉड एक रिस्क है ना इसको मिनिमाइज करते हैं भाई एरर एक रिस्क है ना इसको मिनिमाइज करते हैं भाई फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिस्क है इसको मिनिमाइज करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट क्या करती है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में वो आइडेंटिफाई करती है रिस्क को असेस करती है ठीक है और उन पर इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करती है एक्चुअली इंटरनल कंट्रोल हारे सारे हैं ये इंटरनल कंट्रोल फजूल की एक्टिविटी नहीं होती बैठे बैठाए हमने कह दी नहीं नहीं ये काम आइंदा ना ऐसे हुआ करेगा बस और लोगों की जाने साफ कर दो ऐसे हुआ करो फवायद फूद कुछ भी नहीं है उसके ना कोई बात है ना कोई उसका फ्रूट है ना कोई मसला है नहीं ऐसे नहीं होता इंटरनल कंट्रोल हमेशा डिजाइन की जाती है जहाँ कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है जहाँ कोई मसला इन्वॉल्व होता है कंट्रोल उसके लिए बनाए जाते हैं कंट्रोल बराए कंट्रोल नहीं होते कंट्रोल बराए रिस्क मैनेजमेंट होते हैं तो कहता है कंपनी ये सारा काम कैसे कर सकेगी जब तक वो सिरे से रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो वो तो कंट्रोल तभी बनाने के काबिल होगी ना जब वो रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेगी असेस करेगी और फिर उसके लिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करेगी ठीक है तो ये दूसरा कंपोनेंट है जिस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डज द कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इट्स एम्प्लॉइज अबाउट इंटरनल कंट्रोल It is important for the employee to understand the computerized internal control. Internal control आपने बना ली है अच्छा मुलाजमीन को उस पर अमल ही नहीं करना आता उन्हें पता ही नहीं बेचारों को जैसे फायर यानी डैमेज बाई फायर एक रिस्क है फैक्ट्रियों के अंदर एक रिस्क है डैमेज बाई फायर हर जगह के अंदर रिस्क है लेकिन मैं जो लोग फैक्ट्रियों की मिसालें लेता हूँ फैक्ट्री के अंदर आग लग सकती है
ठीक है, आपने क्या उसका कंट्रोल डेवलप किया है, आपने उसके लिए प्रॉपर हर जगह पे जनाब वो फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं वो रखवाए हुए हैं और भी चीजें की हुई हैं। अच्छा इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है एम्प्लॉइज को, आग लग गई है, एक एम्प्लॉई है उसे पता ही नहीं कि वो उसको वो जो सिलेंडर होता है उसको कैसे चलाते हैं, वो बेचारे को आते ही नहीं है, वो सिलेंडर उसके पास भी है उसके सामने आग लगी हुई है, वो सिलेंडर को दबा दो कैसे देखता रहता है, उसको समझ नहीं आती कि इसकी पिन निकालते हैं ठीक है ना, फिर जरा हिलाते हैं इसे और इसे करते हैं, बड़ा आसान प्रोसेस होता है उसका, लेकिन आपने कभी उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी तो फिर क्या होगा, तो यही होगा ना आग फैल जाएगी, हालांकि आपका कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, आपने पैसे भी खर्चे हैं लेकिन आग कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो यही चीज है कि आप एम्प्लॉयज को जब तक ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं देंगे इंटरनल कंट्रोल के मुताबिक, इंटरनल कंट्रोल के होने का ही कोई फायदा नहीं है। फिर आगे ये चीज हो गया कि बहुत से हमारे कंट्रोल कंप्यूटराइज हो गए हैं, बहुत से कंट्रोल कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो जब तक हम कंप्यूटराइज सिस्टम की और कंप्यूटराइज कंट्रोल एप्लीकेशन की अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो बेचारे नहीं इस काबिल होंगे कि वो इसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो बाज का तो आप देखें ना कि एयरपोर्ट्स वगैरह में जो सिक्योरिटी गैजेट्स होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज हैं, उन्हें यूज अगर करना नहीं आएगा एम्प्लॉयज तो कैसे पहचान पाएंगे, उन्हें समझ नहीं आने कि ये हम क्या करें इसको कैसे यूज करें। तो ये सारी ट्रेनिंग और सारी एजुकेशन बहुत जरूरी है। कंट्रोल एक्टिविटीज एक्चुअली जिसे कंट्रोल कहते हैं वो कंट्रोल एक्टिविटीज है, मतलब इस वोचर को ये बंदा साइन करेगा, इस वोचर को ये चार बंदे साइन करेंगे, हर बंदा उसमें से ये चीज चेक करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के फायर एग्जिट खुले होंगे, वहां पे लोगों को फायर फाइटिंग की तरबियत दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटीज। एक्चुअली कंट्रोल एक्टिविटी मींस प्रैक्टिकल कंट्रोल, द इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाइड बाय कंपनीज आर नोन एज कंट्रोल एक्टिविटीज, देयर कैन बी अनकाउंटेबल इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द कंपनीज। कहते हैं हम गिनना चाहें किसी कंपनी में कितने कंट्रोल हैं या दुनिया में कितने इंटरनल कंट्रोल पाए जाते हैं, कहते हैं अनकाउंटेबल, हम गिन ही नहीं सकते, एक एक चीज के लिए कंट्रोल है, एक एक चीज के लिए कंट्रोल है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो पड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अब आपने ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है और उसका सारा वो हार्ड डिस्क का जो निज़ाम है और नेटवर्किंग का निज़ाम फर्श पे रखा हुआ है, ठीक है, फर्श से वो 2 इंच ऊपर है जैसे हम घरों में मेजें रखते हैं, उसके बाद जनाब एक दिन बड़ी बारिश आई है, बड़ा पानी आया है तो 2 फुट पानी आ गया दफ्तरों में, तो पता चलेगा कंप्यूटर सिस्टम समेत हमारे रिकॉर्ड समेत हर चीज पानी के अंदर फना हो गई है। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आप इसीलिए ज्यादा कंपनीज में आप देखेंगे कभी भी कंप्यूटर सिस्टम जो मेन इसका प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें उसकी मेन हार्ड डिस्क होती है, बैकअप का निज़ाम होता है और वो नेटवर्किंग का सारा कुछ, वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता। अगर ग्राउंड फ्लोर पे होता है तो कभी आप देखेंगे उन्होंने वो ऊपर वो लगा के, जिस तरह एसी नहीं ऊपर लगता तो ऊपर लगा के उन्होंने वहां पे फिट किया होता है। ठीक है, तो ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको कि ये चीज मिला के कंट्रोल एक्टिविटीज कहलाती है। एक्चुअली कंट्रोल मीन कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। देखिए आपने कंट्रोल डिजाइन कर लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक है, उन पे अमल हो रहा है, ठीक है, लेकिन कभी आपने उसको असेस किया है कि हम जिस पर्पस के लिए हमने इसे डिजाइन किया था ये पर्पस पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने तो ये कंट्रोल इसलिए डिजाइन किया था कि ये काम ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो वो काम फिर भी हो रहा है तो कैसे आप करेंगे भाई उसको कैसे आप कंट्रोल को अच्छा कहेंगे। कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ये काम ना होने पाए, कंट्रोल इंप्लीमेंट होने के बावजूद भी वो काम हो रहा है तो फिर वो जो है वो उसका कंट्रोल का फायदा क्या हुआ। हमने कंट्रोल लिख के कोई उसकी पूजा तो नहीं ना करनी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कंट्रोल को फ्रॉम टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहते हैं, उसकी एफिशिएंसी देखते रहते हैं, और अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा तो उसकी रीजंस देखते रहते हैं कि क्यों नहीं काम कर रहा भाई, क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्या कंट्रोल हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, या लोगों को सब पता है लेकिन लोग अमल ही नहीं करते, बाईपास कर जाते हैं इसे, क्यों लोगों को सजा नहीं दी जाती अमल ना करने की। तो सब कुछ हम देखेंगे और उसके मुताबिक अपने कंट्रोल को भी अपग्रेड करना है तो अब उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा चीजें हैं, इसे कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंपोनेंट। तो ये 5 चीजों से मिलकर बनता है, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप ये देखें उसमें से प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछें।
ठीक है, बस आज के लिए हम इतने करेंगे, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, वो एक दफा देख लें। सर क्लास है, लीव कर सकते हैं? क्लास कैंपस में है, ठीक है जाओ जाओ जाओ, ठीक है जिसकी क्लास है वो लीव कर लें, लेकिन चीजें बाद में फिर बेटा देख लेना ना चीजें हैं, ठीक है जा जो है वो देखें चीजों को। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी एनी क्वेश्चन? जी नुमान जफर प्रेजेंट। जी मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपसे, मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल है। जी सर क्या सवाल है? आवाज नहीं आ रही आप। मेरी आवाज आ नहीं रही? सबको आ रही है आवाज, तुम्हें कैसे नहीं आ रही? जी सर आवाज आ रही है। जी जी अब आइए। हाँ बोलें कोई सवाल। सर ये सवाल तो कोई खास नहीं, बस ये
चौंसा सर इसके याद करने का पैटर्न पूछ रहा था सर, ये याद जो ठीक है चीजें देखो इतने अल्फाज में लिखो बस, जैसे फाइव कंपोनेंट्स है ना, जी जी ज़ाहिर है वो तो याद करने मुश्किल तो नहीं है ना, कि कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, तो वो मिक्स हो जाते हैं ना सारे, वो तरह याद करना ना सारे मिक्स हो रहे हैं, याद करने नहीं आपने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, कंट्रोल एक्टिविटीज है और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है, पांच आप हर एक के मुतालिक आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है, और आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप से खुद से उसका जवाब लिख सको, ठीक है, रटा रुटा नहीं मारना, कोशिश करनी चाहिए कि खुद से कॉन्सेप्ट लिखें, खुद से अपने अल्फाज में लिखें जवाब, जी जी ओके थैंक यू जी। यानी इधर क्वेश्चन कोई और सवाल, जी जनाब कोई सवाल नहीं, ठीक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।